और मेरे भाई लोग से हो आप सब, पता है सब ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम अपने गेम प्ले पर आते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरा टीममेट बस हम दो ही उतरे थे पायलट प्लाज, और उतरने के बाद मिलते हैं एक 6x। किस्मत चमकी लेकिन गन नहीं मिले भाई, मैं 6x का क्या ही करता। तो आगे जाता हूँ, मेरे को मिलती है कार 98 और स्कारलेट, और वहाँ स्पॉट होता है मेरे को एक बंदा। तो बंदा स्पॉट हो गया है उधर मेरे को, तो वहाँ पर अब मैं मार्क लगा देता हूँ, और वो मेरे को फिर एक और बार जाता हुआ दिखता है, लेकिन मैं उस पर शॉट नहीं ले पाता। फिर मैं उस पर वही नज़र गड़ाए रखता हूँ कि देखता हूँ कहीं, और फिर मैं एंगल चेंज करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इधर से यहाँ पे बात बन जाएगी, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं दिखता। मेरा टीममेट अलग यूज में खोया हुआ था, पता नहीं क्या कर रहा था। और यहाँ पे मैं स्पॉट करने का, और यहाँ पे और एक और बार खूबसूरत स्प्रे हगना। स्प्रे में अच्छे हगता हूँ भाई, अगर आपको ना पता हो, स्प्रे अच्छे हगता हूँ मैं, हगने में नंबर वन हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एक और का लेट हो गया, लेकिन इतनी भी घटिया स्नाइपिंग नहीं है, एक शॉट। अब देखना उसकी वजह से उसका टीममेट क्या, मतलब आराम से फुल टू फुल आराम से ऐसे घूम रहा है खुले में, वो पी रहा है एनर्जी ड्रिंक जैसे पता नहीं किसकी रोड है। इसने पूरा पायलट प्लाजा खरीद रखा है, ऐसे घूम रहा है भाई बंदा। तो मैं यहाँ पर उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्कारल भाई, अगर आप लेजेंड एक्स की वीडियो देखते हो ना, तो ये पिचकारी वाली गन है, पिचकारी वाली। तो यहाँ पर अब मैं, मेरे को लगता है कि वो कंटेनर के पीछे रिवाइव दे रहा होगा, और वो बहुत बढ़िया ऑप्शन था, वो उसे रिवाइव दे सकता था, लेकिन वो निकलता है। पता नहीं मेरे टीममेट, और ये देखा आपने बग्गी लेके कहाँ से आया, पता ही नहीं चला। मैं वहीं देख रहा था, मेरे को लगा कि वहीं पे है बंदा, मेरे को अभी तक ये पता था कि वहीं पे है बंदा। मैं थोड़ा यहाँ पर देखता हूँ क्या पता उसके स्क्वाड वाले स्क्वाड मेंबर्स हो, लेकिन फिर मेरे को कुछ पिक्सल्स छलकते हैं, और मेरे को बाद में पता चलता कि वहाँ पे एक बंदा है। अभी मैं वहीं देख रहा था, फिर मैंने उधर देखा और पिक्सल्स मेरे को उस बंदे के वो दिखे सर। मैं सोचता हूँ कि जो बुलेट लग जाएगी ऊपर से नीचे जा पाएगी, लेकिन मैंने अपना हैक ऑन नहीं करा था, मैं भूल गया था। यहाँ पे टीममेट आता है, किल ले लेता है। तो अब जाते हैं उनको लूटने, और चलते चलते उधर जाएंगे। और तभी मैं तो लूट ही रहा था, और तभी एक खबर आती है, देख रहे हो चार नंबर वाले को नोक। मैं सराहने गया, मैंने कहा आ जा भाई, और वैसे मैं ये रैंडम्स के साथ खेल रहा था, आपको पता है रैंडम्स की, वैसे मैं भी उन्हीं रैंडम्स में से हूँ, कई बार मैं भी नहीं जाता गाड़ी में बैठ के। सेम है यहाँ पे, मैं उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ, आ जा, वो आ जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था फोर्थ नंबर वाले को बचाना, ओह खत्म हो गया वो, तो कोई बात नहीं अब हम, लेकिन उसका बदला तो लेना ही है। हम जा रहे होते तभी आते हैं बोर्ड जी, कहते हैं चलान कटेगा। मैं कहता हूँ सलमान खान से हमने भी ड्राइविंग सीख रखी है भाई। यहाँ पर हम चलते चलते आ जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने की फोर्थ नंबर को किसने मारा। हम यहाँ उतरते, मैं थोड़ी पहले ही रोक लेता हूँ गाड़ी, और फिर यहाँ पर तीन नंबर वाले के पास गन चल रही थी, तो फिर मैंने उसको देखा कि उसके पास कोई है, लेकिन उसने सब मामला साफ कर लिया था। यहाँ पे हमारे फोर्थ नंबर वाला टीममेट मरा था, तो फिर मैं उधर ही देखता हूँ, उधर मार्क लगा देता हूँ टीममेट को। मेरे को अभी भी लग रहा था कि बंदा वहाँ पे है, मैं थोड़ा प्रोन हो जाता हूँ क्योंकि पीछे भी बंदे थे हमारे, और तभी ये साइड से आवाज़ आती है गोलियाँ चलने की। मैं जाता हूँ, और ये देखो मतलब फुल अपने धुन में लगा हुआ बंदे मारने, और यहाँ पे नो फिनिश, और तभी इसका टीममेट साइड से आता है। मैं यहाँ जा ही रहा होता हूँ उसको लूटने, तभी ये होता है यहाँ पे आराम से, ये बिल्कुल मतलब थोड़ी से एंगल से चूक गया, वरना वो मेरे को पक्का नॉक कर देता। और यहाँ पे उतरा, यहाँ पे इसको नॉक किया, तभी आता है इसका टीममेट जो कि था ING अखिल। मैंने उसको स्पॉट किया, उसने मेरे दो नंबर वाले टीममेट को नॉक कर दिया, लेकिन ये झाड़ियों ने मेरे को देखने नहीं दिया। तो फिर मेरे को रिवाइव देना था, तो इसलिए मैं आगे अपने स्मोक कर लेता हूँ, ताकि उसका जो वे है वो ब्लॉक हो जाए हमें देखने का। तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या हुआ था, क्या फूक लिया था, तो यहाँ पे मैं रिवाइव देता हूँ इसको। पता नहीं क्यों पीछे जा रहा था, और मेरे को अब पता चलता है कि वो क्यों पीछे जा रहा था। उसको पड़ती है एक ओम का चटाका। अब जो INDA किल था जिसको मैंने डैमेज दिया था, उसको
नोक कर गया था लेकिन मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं कैलकुलेट इतना पढ़ता नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं बच बच कर रहा था हीलिंग करे बिना, मैं सोच रहा था बंदा सामने ही होगा रिवाइव दे रहा होगा, और मैं इतना पैनिक हो चुका था कि मेरे को ये ही नहीं पता कि मैंने ही वो स्मोक करा, उसके अंदर मैं ही अपना ही ग्रेनेड मार रहा हूँ अलग ही लेवल के। जब पैनिक हो जाते हो ना तब ये चीजें करते हो। तो अब यहाँ पे मैंने हीलिंग लगाई ली और वहाँ पे जो नॉक करा था वो बंदा फिनिश, और यहाँ पे मेरे को ये दिखता है नॉक, और ये था आईएनडी अखिल। आप बताना कि असली आईएनडी अखिल है या नकली। और फिर यहाँ पे सस्ती ड्राइविंग लेके मैं सीधा गेट में सोक ठोकता हूँ और क्या बढ़िया स्वागत। तब आते ही गोलियां की बौछार होती हुई मेरे ऊपर। यहाँ पे भी एक बार मैं पैनिक हो गया था क्योंकि डर लगता भाई, अगर वो पुश कर देते तो शायद वो निकाल जाते कुछ, लेकिन उन्होंने पुश नहीं किया। और हम इसी कंपाउंड को होल्ड करते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि बाहर बहुत बाहर कोई भी कंपाउंड बढ़िया वाला नहीं था, और यहाँ पर चारों तरफ बंदे थे। तो अगर हम नीचे उतरते तो पीछे वाले मारते, और अगर आगे जाते तो हमें आगे से पड़ते। तो यहाँ पर जोन का वेट का जोन है, और मौका मिला मैंने इसको डैमेज भी दिया अब, लेकिन वो बग्गी में था फुल स्पीड, मेरे पास वो नहीं था। तो मैं आगे जाके देखता हूँ कि वो रुका कहाँ है, मेरे को वो बंदा दिखता नहीं है। मैं सोचता हूँ वो बंदा आगे निकल गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहाँ पे एक सरप्राइज था। मैं को अभी भी शक था कि वहाँ पे बंदे के तीन नंबर वहीं देख रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ और थोड़ा इधर भी देखता हूँ कि यहाँ पे कोई बस तो नहीं रहा, क्योंकि पहले यहाँ पे दो बंदे थे, वो एक ही बगी में गया है। तो आगे जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, मैं सोचता हूँ मेरे पास हाई ग्राउंड एडवांटेज है, तो यहाँ से मैं थोड़ा स्काउट करता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि ये जो कंपाउंड, ये कंपाउंड बहुत बार भरा हुआ रहता है, कई बार यहाँ पे बंदे आ जाते हैं, लेकिन मेरा टीममेट अभी बार बार ये देख रहा था। मैं अब जोन जाने के लिए बहुत कम टाइम रह रहा था, तो मैं यहाँ पे टीममेट को कहता हूँ चलो जोन में चलते हैं। और मैं तो दूर से पाटक के बंदा गिले सूट में, इसको एक गोली मारता हूँ कुछ असर नहीं पड़ता उसको, थोड़ा सा नीलू सा असर पड़ा होगा। और फिर मैं यहाँ दोबारा ऊपर आ जाता हूँ उसी पे एक एम लेने के लिए। तो यहाँ पर एम लेने आता हूँ, वो पता नहीं कहाँ गया हुआ था। फिर नीचे उतरते थोड़ी देर बाद तो ये दिखता है स्मोक। तो मैं यहाँ पे ये तो समझ गया था कि वो बंदा है, क्योंकि अपने टीममेट में से किसी ने स्मोक नहीं करा। मेरा ध्यान वैसे भी मेन उस पर ही था जो उधर था, और तब आ रहा था जोन। तो मैं यहाँ पर फुल रोटेशन डालता हूँ जोन जाने के लिए। रोटेशन डालने के बाद मैं थोड़ा पीछे भी नज़र करता हूँ कि भाई जो स्मोक करा था उसमें भी कोई हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पर थोड़ा पीछे देखता हूँ, और तभी मेरे को ये दिखता है। अगर किसी को नहीं दिखा तो मैं अभी अभी कूदा है। और ये बताना ये नोक क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक नोक हो जाना चाहिए, इतनी गोली मारी मैंने इसको, लेकिन नोक नहीं हुआ। तो ये जरूर 1 HP होगा, मेरे को लगता है कि वो नया सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, लेकिन वो इधर होता है, इधर से जाता है वो इधर, मैं उसको स्पॉट कर लेता हूँ। अब क्रॉस हेयर प्लेसमेंट आपको ऐसे रखनी है उस पर ही, और यहाँ पर वो ख़त्म। देख रहे हो इतनी गोली होने के बाद अभी भी मैं लूट रहा हूँ। यहाँ से मैं लूट के फुल रोटेशन डालता हूँ, मैं वो रोटेशन काट दूँगा, बहुत लंबी रोटेशन थी। मैं मतलब जोन के उस एंड तक गया था, और अब यहाँ पर भाई के देखोगे सस्ते रिफ्लेक्स, उसने मेरे को पहले डैमेज दिया और ये फुल नॉक। यहाँ पर थोड़ा हैक ऑन हो गए थे हमारे, वो गलती से हो गए थे, हमने थोड़ा आर पार मार दिया, हमें दिख भी नहीं रहा था, तो उस हैक को माफ़ करना यहाँ पर। और मेरे को ऐसा लगता है कि एक और बंदा है यहाँ पर, लेकिन वो होता नहीं है। अब ये मत लिख देना कि वहाँ पे बंदा है या नहीं। मैं यहाँ पे आगे जाने के लिए स्मोक डालता हूँ एक, और फिर मैं आगे भी जाता हूँ, और तभी ये देखो, अब मैंने वो जो पहले वाला फायर किया था वो वैसे ही करा था, मेरे को कोई लगा था कि वहाँ है, लेकिन ये यहाँ पे सच में था। अब सिर्फ एक बंदा रह रहा है यहाँ पर, मेरे को टीममेट को रिवाइव देना होता है। मेरे को उसकी लोकेशन पता थी क्योंकि उसने अभी भी फाइट की थी, तो उसने चलाई थी गोली। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे, क्योंकि बहुत घूमने वाले हैं हम, और वो बंदा लास्ट वाला बंदा देखना कहाँ पाएगा। मतलब सारे के सारे आजकल सांप बने हुए होते हैं, और सांप बन के कहाँ जाता है ये देखो। मतलब हमारे स्मोक का फायदा उठा उठा के ये बंदा यहाँ आ गया, और हमें मिल जाता है एक विनर विनर तंदूरी डिनर, तंदूरी चिकन डिनर सॉरी। तो यहाँ पे होप यू लाइक दिस वीडियो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, थैंक यू। थोड़े यहाँ पे स्प्रेज रिकॉइल कंट्रोल करते हुए, और अगर आपको ऐसे ही
गेम प्लेस चाहिए तो मेरे को बता देना, हम गेम प्लेस ला दे देंगे। थैंक यू।